जी जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सबके ठीक हैं? ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, हमने कल चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रैक्टिस के साथ जो है वो कंप्लीट किया, और जिस तरह हमने डिसाइड किया था कि फ्राइडे को इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो जो है वो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। डिटेल्स में आपके साथ उसकी टाइमिंग, उसमें क्या मार्क्स होंगे, तो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा, कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। बट फ्राइडे को हमारा टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13, एथिक्स। और आपको याद होगा हमारी 7 स्टेजेस ऑफ ऑडिट में फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट रूल्स रेगुलेशंस एंड एथिक्स, रूल्स रेगुलेशंस एंड एथिक्स। तो हमने कुछ कंपनीज एक्ट के रूल पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और हमारे ऊपर बाइंडिंग है। वी आर बाउंड बाय कोड ऑफ एथिक्स, तो हमने उनका भी ख्याल करना है, वो भी देखेंगे कि हाउ मच दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, और इनकी बाइंडिंगनेस क्या है, और ये है क्या, किन लोगों पे अप्लाई होती हैं। कंपनीज एक्ट की हमने एप्लीकेशन देखी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अब ये एथिक्स को भी देखेंगे। और इस स्टेज 1 of 7 के अंदर 3 चैप्टर हैं बेसिकली, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 2। और अगर आप गौर करें, ये जो चैप्टर नंबर 13 है, मैं ज़रा वो शीट ओपन करूँ पास पेपर एनालिसिस वाली, जस्ट कीप कमिंग बैक टू इट, क्योंकि वो सच एन इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर आप ये ग्रिड्स देखें यहाँ पे, तो जो अब हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 13, ये एक अलग ही ग्रेड है प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें चैप्टर 13 कंप्लीट है और चैप्टर 2 का सिर्फ एक पैराग्राफ होगा। एक चीज मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन, वो आए या ना आए, क्योंकि वो ग्रेड ए में उसके पास और भी बहुत सारी चीजें टेस्ट करने के लिए, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में पैराग्राफ 2 है और फ्रॉड है, नॉलेज बेस भी हो सकता है। तो जो चैप्टर 1 में हमने सिनेरियो पढ़ा डी अप्रोच के साथ, वो आए या ना आए उसकी श्योरिटी नहीं है, बट रेस्ट अश्योर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जो अब हम चैप्टर 13 पढ़ने लगे, इसमें भी एक सिनेरियो नॉलेज बेस भी होगा और सिनेरियो भी, बट और कोई सिनेरियो आए ना आए, आपको एथिक्स का सिनेरियो लाजमी आएगा, एथिक्स के ऊपर सिनेरियो लाजमी आएगा। अगर आप देखें पिछले टाइम में भी चैप्टर 13 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 12 मार्क्स, उससे पिछले टाइम में क्वेश्चन नंबर 8 13 मार्क्स से, अगर मैं और पीछे चला जाऊं, हर अटेम्प्ट में चैप्टर 13 पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा, ये देख लो। ट्वेल्व मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, हर और आगे 11, हर अटेम्प्ट में और कोई सिनेरियो आए ना आए, एथिक्स के ऊपर सिनेरियो कंफर्म होता है। सच इज द सिग्निफिकेंस। चैप्टर 1 वाला सिनेरियो आए ना आए हमें नहीं पता, वैसे वो भी टेस्ट हुए काफी देर हो गई है, हम तो इसी टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सिनेरियो आएगा, बट उसने नहीं पूछा, तो अगली दफा तो वो भी हॉट फेवरेट है, बट एथिक्स तो आना ही आना, क्योंकि जिस ग्रेड में ये प्लेस है वहां पे पूरे का पूरा जो ये 10 to 15 मार्क्स है, इसमें सिर्फ नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं हो रहा होता, इसमें सिनेरियो भी टेस्ट होगा। अब हम आते हैं, सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स में हमने क्या पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 13 है, और ये बाय द वे जो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट है आया है आपका एग्जाम सप्लीमेंट 2020, दो चैप्टर्स रिवाइज हैं आपकी स्टडी टेक्स, चैप्टर 2 और 13। तो ये आपने जो एग्जाम सप्लीमेंट है वहां से पढ़ना है आपने, ठीक है, सबने वहां से पढ़ना है। नहीं, ये बात नहीं है मार्क्स ले लें नहीं लेने, वो तो यहाँ से भी हम लेंगे इंशाल्लाह जब इसको पढ़ लेंगे, बट वो जिस ग्रिड में प्लेस है उस ग्रिड में और बातें भी पूछने वाली हैं, एथिक्स जिस ग्रिड में प्लेस है उसमें एथिक्स के सिनेरियो के अलावा और कोई सिनेरियो बनता नहीं। तो चैप्टर 13 प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंडक्ट, इसमें आप देखिए कुछ बातें हम सीखने लगे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच। तो पैराग्राफ 1, एक तो
कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही करना। दूसरी चीज, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स। जो कुछ हम पढ़ने लगे हैं ये कोड ऑफ एथिक्स सबको कंप्लाई करना है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हो, या अपनी फर्म चला रहे हो। लेकिन इस पेपर में कैस 9 में जो हम ये कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे ये उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो एक सीए फर्म चला रहे हैं। क्योंकि आप कोड ऑफ एथिक्स एक और पेपर में भी पढ़ते हैं अपने कैस में। कौन से पेपर में पढ़ते हैं जी कोड ऑफ एथिक्स? FAR 2 में। वहां पे आप उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जो जॉब में, उनको जॉब करते हुए मसला होगा, उसने कहा फिगर चेंज कर दें, प्रॉफिट ज्यादा कर दें तो क्या करना है। लेकिन यहाँ पे हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे फ्रॉम ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर इन पब्लिक प्रैक्टिस। और कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। तो पैराग्राफ 1.1 में कुछ चीज याद करने वाली नहीं है, बस ये 2-3 पॉइंट हाईलाइट करने वाले कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पब्लिक हमारे काम पे रिलाई करती है, तो हमें एथिक्स को फॉलो करना। अगला पॉइंट है जो हम पढ़ने लगे हैं, डायग्राम भी बनाएंगे उसकी, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल। मैं पहले इसकी एक जो है वो डायग्राम बनाना चाहूंगा, डायग्राम से कंटिन्यू करूंगा। ओके जी, सो डायग्राम है, मैं मेरा ख्याल शुरू में ये बात बता चुका हूँ, कोई जरा क्लियर कर दे अली को कि टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, टाइम का होगा, मैंने क्या बात की थी इसके लिए बता दें जरा। जी कल बताएंगे इंशाल्लाह सारे टेस्ट के बारे में, सिर्फ इस वक्त सिर्फ डेट मैंने बताई है, बाकी सारी डिटेल्स कल पता चलेंगी। जी बस एग्जाम सप्लीमेंट चैप्टर 2 और 13 एग्जाम सप्लीमेंट से ही हम करेंगे, वहीं से करना है, वो रिवाइज हो चुके हैं। अच्छा जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, देयर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनमें हमें हर सूरत में कंप्लाई करना है, और उसमें अगर हम उसका मनोनिक बनाना चाहें ठीक है, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल विच एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स टू कंप्लाई विद। और वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं जी। बिलो मैंने बता दिया है एग्जाम सप्लीमेंट को ही फॉलो करना है, चैप्टर 2 और 13 बस ठीक है। इंटेग्रिटी, आई से इंटेग्रिटी, और कौन सा होता है इसके बाद नेक्स्ट, किसी को अगर आइडिया हो? इंटेग्रिटी, सीक्वेंस वाइज अगर हम चले, नहीं इंटेग्रिटी के बाद कौन सा रूल आता है? ऑब्जेक्टिविटी, इसके बाद
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद प्रोफेशनल बिहेवियर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ये पॉक्सी हमारे पांच प्रिंसिपल बन गए सीक्वेंसेस। पहले इंटेग्रिटी है, फिर ऑब्जेक्टिविटी, फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, एग्जाम में एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताएं और उनको एक्सप्लेन करें। एग्जाम में खुद पूछ ले इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है वो आप बताएं, उसको एक्सप्लेन करें। तो आइए इसको जरा वन बाय वन देखते हैं कि हम इंटेग्रिटी के बारे में क्या वर्ड लिखेंगे, इंटेग्रिटी होती क्या है और एग्जाम में लिखने के लिए आए। तो अभी हम नॉलेज बेस्ड कर रहे हैं, इसके बाद हमने आगे मूव करना है इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी। अच्छा जी, तो बुक से हम कुछ मार्किंग भी करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी, जस्ट वो हम अपना निमोनिक पूरा कर रहे हैं। इसमें इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इन सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए हमने चलना है पैराग्राफ 1.3 से लेके 1.7 तक। ये सारे प्रिंसिपल्स हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं और कुछ चीज़ें नोट करनी है, निमोनिक बना रहे हैं। अच्छा जी, 1.3 में चलते हैं। इंटेग्रिटी नहीं, यहां से नहीं करनी, आगे डिटेल में लिखा हुआ है, हर एक एक छोटा डेडिकेटेड पैराग्राफ हो। मसलन अभी हमने इंटेग्रिटी देखा, यहां से पढ़ने लगा, यहां वो भी चीज लिखी हुई और चीजें भी लिखी है, तो एक जगह से पढ़ लेते। चले जी, इंटेग्रिटी, और पास्ट पेपर में इंटेग्रिटी के ऊपर एग्जामिनर ने एक दफा हमसे 2 मार्क्स की टेस्टिंग दी थी लॉन्ग वे बैक, 14 सितंबर, क्वेश्चन नंबर 10A, 2 मार्क्स नॉलेज। बताइए इंटेग्रिटी रूल क्या होता है। अच्छा जी, यानी पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चूंकि हम उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं जो सीए फर्म चला रहे हैं, तो और वो ऑडिटर की भी हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो एक ऑडिटर को इंटेग्रिटी के साथ काम करना, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि दयानतदारी के साथ उसने काम करना है। और वर्ड्स देखते हैं, बज वर्ड्स क्या है इंटेग्रिटी के लिए, कि हमने इंटेग्रिटी से काम करना है। A chartered accountant shall comply with the principles of integrity, which requires an accountant to be straightforward and honest. Imandari se, dyanadari se, straightforward okay in all professional business relationships. Integrity implies fair dealing and truthfulness.
A chartered accountant shall not knowingly be associated. अच्छा जी, अब इसका जरा निमोनिक बनाओ। इसका निमोनिक ये है, जब भी इंटेग्रिटी रूल आपने लिखना है, आपने निमोनिक याद रखना है शार्प, और ए के साथ फर्दर निमोनिक में ओ आर। तो शार्प वो इंजीनियरिंग के टर्म है, शार्प इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं कि मेटल शार्प है अभी। तो एस से क्या बनेगा, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मसलन अगर क्लाइंट आए हमारे पास कि ये आप काम करते हैं तो हमें लगता है हम नहीं कर सकते, हम कहते हैं नहीं नहीं हम कर लेंगे, देखेंगे अल्लाह बेहतर करेगा, कोशिश करते हैं, हो जाएगा जी काम आपका। नहीं, वी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस और नो, कर सकते हैं यस, नहीं कर सकते तो स्ट्रेट नो करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, जाहिर है फीस में टाइम के हिसाब से। तो आप कहिए हाँ हाँ एक हफ्ते में, वो कहते हैं एक हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए, आपके हाँ हाँ हो जाएगा एक हफ्ते में सर, बिल्कुल एक हफ्ते बाद हो गया, वो कहेगा रिपोर्ट में, आप कहेंगे एक हफ्ते में भी वाला भी ऑडिट होता है, क्योंकि आपने कहा था, मैं कहने में आपको पता ही है सर क्या बात करें, एक हफ्ते में कौन ऑडिट कर सकता है, उसका मतलब आपने ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया, वी शुड बी ऑनेस्ट, नहीं सर ये 15 डेज का काम हमने लेना। फिर उसके बाद फेयर डीलिंग होनी चाहिए, फेयर डीलिंग जो फीस तय हुई वही फेयर डीलिंग होगी, और ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, डॉज नहीं करना, उसको गुमराह नहीं करना, उसको डिसीव नहीं करना, क्योंकि देखें हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा जो क्लाइंट को सर्व करने का तरीका एक नॉर्मल हफीज सेंटर में, जिस तरह शॉपकीपर यूजुअली, मैं वैसे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, हफीज सेंटर कोई भी हो गया, मतलब वो कहते हैं इतने की ले लें, अच्छा आप कितने देंगे, अच्छा वो इतने दे रहे हैं उससे 10 रुपये कम दे दीजिएगा, हाँ जी गारंटी है, बाद में कहेगा भाई कोई गारंटी नहीं है चाइना, मतलब उस किस्म की जो माल प्रैक्टिसेस यूजुअली मार्केट में होती हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने, हमने उस तरह का काम नहीं करना, वी आर प्रोफेशनल पीपल और हमने इंटेग्रिटी से काम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ए से ऑनेस्टी, ए से अभी पढ़ रहे हैं, एफ से फेयर डीलिंग होनी चाहिए, और टी से ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। ए स्टैंड फॉर के ये भी इंटेग्रिटी रूल का तकाजा है, हमसे रिक्वायर्ड है कि वी मस्ट नॉट नोइंगली बी एसोसिएट, यानी हमने जानते बूझते हुए कुछ रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन या क्लाइंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना। वो कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन होंगी जिनके साथ हमने एसोसिएट नहीं होना, और वो ए से एसोसिएट, मस्ट नॉट एसोसिएट, एफ ओ आर टी जी, ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी अकाउंट्स जो कि हमें शुरू में ही पता है कि विच कंटेन्स ए मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेट, हाँ पता है, ये क्लाइंट आगे कहता है ये अकाउंट मैंने 2 नंबर बनाए हैं ऑडिट करो, आपने गलत बनाए हैं, पहले सही बनाए फिर ऑडिट होगा, हम गलत चीज के ऊपर नहीं चलेंगे। विच कंटेन स्टेटमेंट, कंटेन स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब होता है केयरलेस, क्लाइंट कहेगा भाई मैंने मोटी मोटी फिगर लिख दी है, बाकी मैंने यानी एस्टिमेट करनी, यानी वो उसने बेध्यानी में बगैर कुछ चीज़ों को स्क्रूटनाइज किए, गलत उसने अपनी से गलत नहीं बनाया बट रेकलेसली, हाँ यार कितनी सेल होगी, 2 बिलियन, चलो जी 2 बिलियन की, सर इसको ऑडिट कराना है हमने आज, ऐसे नहीं होगा, रेकलेस इंफॉर्मेशन के साथ हम, हमारा नाम हमारी सीए फर्म का लेटर हेड फॉल्स अकाउंट्स के साथ, रेकलेसली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है जिसके अंदर ओमिशन हो, ये ऑब्स्क्योर हुई है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने लीज ली, वो लीज उसमें डाली नहीं है, लोन लिया लोन डाला ही नहीं, ओमिट कर दिए चीजें, ऑब्स्क्योर कर दिए, तो जानते पूछते हुए हमने ऐसी चीजों के साथ एसोसिएट नहीं होना जो कि हमें पता है। ठीक है, अब ये याद रहेंगे आपको ये 5 चीजें, इंटेग्रिटी रूल को एक्सप्लेन करते हुए शाफ्ट और ए के नीचे एफ ओ आर, हमने इन 3 तरह की रिटर्न स्टेटमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना, एफ फॉल्स, ओ ओमिट या ऑब्स्क्योर्ड, और आर रेकलेस, है ना। अब देखिए आसान हो जाएगा, कल को बात कर रहा था निमोनिक मुश्किल है, अगर ये आप निमोनिक नहीं लिखेंगे तो आपको वैसे जहन में याद रखना पड़ेगा इंटेग्रिटी रूल में क्या है, मेरे जहन में इंटेग्रिटी फॉरन शाफ्ट आता है, एस से खुद ही बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए से ऑनेस्टी है, ए से वो एसोसिएशन है, मस्ट नॉट एसोसिएट विद एफ ओ आर, एफ से फेयर डीलिंग और टी से ट्रूथफुलनेस, तो आई बिलीव के काफी हेल्प हो जाती है आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट आया, 5 बातें इंटेग्रिटी में मैंने 5 बातें लिख दी हैं,
अगर आप इस तरह ना करें तो कुछ तीन याद आएंगी, कभी चार याद आएंगी, पांचवी याद नहीं, वो क्या था, कुछ और भी था, कुछ और भी था। तो निमोनिक होता है ना एक एक लेटर, तो उससे क्या चीज बनती है, शाफ्ट। अब आपको पता है पांच है, एस एच, ए से क्या बनता है, ये भूलेगा ना, ए से कुछ था, ए से कुछ था, ए से कुछ था, वो सोचिए। तो यस, हाँ वेरी गुड। तो इसमें अब ये होता है कि अच्छा अब्दुल्ला कह रहे हैं निमोनिक, या तो फिर आप इतना कोर्स याद कर रहे हैं वो याद कर सकते हैं, बड़ा तो ये निमोनिक क्यों नहीं याद, निमोनिक याद करने में क्या मुश्किल है, आप पूरा पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल, मैं तो उसी को हेल्प कर आसान कर रहा हूँ, अगर आपको वो नहीं चाहिए, अगर आप उसी पे रख सकते हैं कमांड, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है। मैं तो मेरा काम है कि उन चीज़ों को मैं निमोनिक नहीं देता, सिर्फ पढ़ा देता, लेकिन मुझे पता है कि हेल्प ऐसे होगी। अगर आप यू आर वन ऑफ दोज जो पूरे बुक याद कर सकते हैं 700 पेजेस को, दैट इज फाइन। तो जो मेरा काम है चीज़ों को आसान करके देना, अगर हेल्प होती है तो ज़रूर कीजिए, अगर आप अदरवाइज करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे, बट आई एम सेइंग दिस इज, दिस सीम्स टू बी एन ईजीएस्ट वे, इफ इट वर्क्स फॉर अस वी शुड गो फॉर इट, इफ नॉट देन भी है ना। और थ्योरी के पेपर में खास तौर पे ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल होती है, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिवीजन बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, टिप्स पे चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे आपके टिप्स पे होती हैं चीज़ें, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ये निमोनिक्स जो हैं बनाते हैं वो चीज़ें चलती हैं। गुड, अच्छा जी, सो इंटेग्रिटी रूल डन, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगली दो लाइनें लिखी हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पढ़ता हूँ कि अगर हमने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर हमने, अगर एक चीज़ गलत हो और हम उसको गलत कह दें फिर कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम तब होगी कि गलत चीज़ को हम सही कह दें। तो अगर वो गलत अकाउंट्स हैं, हमने ऑडिट किया और हमने कह दिया ये अकाउंट्स गलत हैं, तो फिर इंटेग्रिटी का मसला नहीं होगा। कल को भी कह सकते हैं आपने ये ऑडिट एक्सेप्ट ही क्यों किया अगर ये गलत, हम कहेंगे नहीं यार ऑडिट एक्सेप्ट किया बेशक गलत था, बट हमने रिपोर्ट में देखो ना, हमने कह दिया ये चीज़ गलत है, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो अगर हमने अपना ओपिनियन या रिपोर्ट मॉडिफाई कर दी तो इसका मतलब है हमने इंटेग्रिटी रूल को ब्रीच नहीं किया, और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमें फिर वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हमें अगर एक्सेप्ट कर लिया तो रिजाइन कर देना चाहिए, डिसएसोसिएट करना चाहिए। इंटेग्रिटी रूल ये कहता है कि अगर आपको कभी भी कोई इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप को डिस्टेंस कर लें, रिजाइन कर दें, छोड़ दें एंगेजमेंट। नेक्स्ट रूल भी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी रूल, ऑब्जेक्टिविटी रूल में आपको निमोनिक याद रखने हैं, कब कि क्या होता है कब, इंग्लिश का वर्ड है सही, सही। अच्छा, किसी ने मुझे ना प्राइवेट मैसेज किया और उसमें लिखा है पटवारी। तो कब मीन्स ऑफ कोर्स बेबी लाइन है, लाइन छोटा बच्चा जो होता है कब तो कहते हैं। अच्छा जी, सो क्या है जी ऑब्जेक्टिविटी, हमने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इम्पार्शियल रहना, हमने कोई साइड्स नहीं लेनी किसी की, किसी की तरफदारी नहीं करनी, बहुत ऑब्जेक्टिव, बहुत मकसदियत से काम करना, हमारे काम में मकसद होना चाहिए बगैर किसी की साइड लिए। सो कब, तीन चीज़ें हैं, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ bias, see conflict of interest or undue influence of others. इन तीन चीज़ों से बच के ऑडिट करना है, हमारे काम में कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए, हमारे काम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और हमारे काम के ऊपर कोई undue influence नहीं होना चाहिए। मैं तीनों की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बायसनेस का मतलब ये है कि हम एक ऑडिट कर रहे हैं
और ऑडिट करते हुए उस क्लाइंट ने हमें बड़ा टफ टाइम दिया है, हम इन्फॉर्मेशन मांगते थे, वो कहता क्यों मांग रहे हैं, कहाँ लिखा है, कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में है, ये तो नहीं चाहिए होती, तो उसने ना हमें बड़ा उस तरह से तंग किया। तो हमने कहा अच्छा बच्चू मैं तो तुम्हारी रिपोर्ट अब क्वालिफाई करूँगा, तो मैं तुम्हें मजा चुकाऊंगा, बेशक अकाउंट सही भी है बट हम बायस हो गए, है ना, हमने कहा कि यार तुम्हें मैं मजा चुकाऊंगा, तुमने मुझे बड़ा तंग किया, बेशक अकाउंट सही ऑन मेरिट उसकी क्लीन रिपोर्ट होनी चाहिए, बट आप कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी रिपोर्ट खराब कर दूंगा और ओपिनियन चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बाइसनेस है, ये बाइसनेस अगेंस्ट है। एक और एग्जांपल है, अकाउंट्स में बेशुमार गलतियाँ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो जो अकाउंटेंट है सामना हुआ आपको, उससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, आपको अच्छा लगने लग जाता है, आप कहते हैं यार गलतियाँ तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, बंदा बशर है, कोई मसला नहीं है, मैं आपकी रिपोर्ट क्लीन कर दूंगा, ये भी बाइसनेस है। आपने गलत चीज़ को उसकी साइड लेके उसकी तरफदारी करके क्लेम कर दिया, तो बाइसनेस अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस फॉर भी नहीं होनी चाहिए। मेरिट के ऊपर अकाउंट सही है तो आपको कहना है ये अकाउंट सही है, अकाउंट गलत है तो आपको कहना है अकाउंट गलत है। कीप योर बाइसेस असाइड, अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को साइड पे करके, इसीलिए वो इंडिपेंडेंस का वर्ड हम यूज करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंटली काम करना है, ये तो हो गया बायस। दूसरा जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जाहिर है अगर आपके एक क्लाइंट में दो इंटरेस्ट होंगे, दो मफाद होंगे, तो उनमें फिर क्लैश आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा हमारे क्लाइंट में सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए एंड दैट इज प्रोफेशनल इंटरेस्ट, हमने उसको ऑडिट करना है, दैट्स इट। और इसकी हमने एग्जाम्पल कंपनी जैक में पढ़ी थी, हमें मना किया गया कि उससे इंडेटनेस ना लें आप, उससे कर्ज ना लें आप, हमें मना किया गया कि आप उसके साथ बिजनेस रिलेशन ना बनाएं, हमें मना किया गया कि आप उसको गारंटी ना दें, क्यों, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो कि हमने ऑडिट करना है उसके साथ एक और इंटरेस्ट भी आ गया हमारा, हमने उससे लोन लिया हुआ है, हमने उससे बिजनेस चल रहा है, तो फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर आएगा, ऑब्जेक्टिविटी, वो ये होगा कि हमारा अगर मैं उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई करूंगा, वो मुझे कहेगा तुम मेरा लोन वापस करो, हम बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना, तो यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स भी ये कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल कि आपने किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद होकर आपने ऑडिट करना है, आपका आपके ऑडिट क्लाइंट में सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनल इंटरेस्ट, कोई जाती मफाद, कोई सेल्फ इंटरेस्ट, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट और किसी किस्म का आपके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी एग्जाम्पल, हाँ अब्दुल्ला फिर कोई बात आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने एग्जैक्ट नहीं लिखना, बट ये भी नहीं कि ये जो बज वर्ड हैं ये जरूर लिख रहे हैं निमोनिक, तभी तो पता चलेगा आप बुक से लिख रहे हैं, अगर आप ट्रूथफुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर डीलिंग का वर्ड इसकी जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आप बुक से लिख रहे हैं, पढ़ के आए हैं कि कहाँ से पढ़ के हैं, इसलिए ये वर्ड यूज करना भी जरूरी है। सेंटेंस अपना बनाएं, रॉट लर्निंग को कभी भी नहीं कहा जा रहा, एज इट इज तो लिखना नहीं है, तो हर लाइन में से एक बज वर्ड निमोनिक से बना लिया, अपने वर्ड में लिखा। ऑब्जेक्टिविटी में हमने बाइसनेस समझ लिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर लिया। तीसरा जी अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपने किसी के इन्फ्लुएंस या किसी से मुतासिर हुए बगैर ऑडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए आप एक ऑडिट कर रहे हैं और वहां पे ऑडिट करते हुए आप शाम को अपने घर में डिनर कर रहे हैं, डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं सारी फैमिली, तो ऐसे वाले साहब आपसे पूछते हैं कि यार आजकल किधर जा रहे हो ऑडिट पे, आप कहते हैं मैं इस ABC प्राइवेट लिमिटेड में जा रहा हूँ, आपके पास कहते हैं अरे यार वहाँ वो हलीमी साहब भी होते हैं, आपने कहा हाँ हैं हलीमी, ओहो बेटा आपने उन्हें पहचाना नहीं, नहीं जी मैंने तो नहीं पहचाना, अरे यार उनके हमारी फैमिली पे बड़े एहसानात हैं, हमारे पुराने नेबर्स में होते थे वो जब हम पहले रहते थे जिस इलाके में, वो याद करो कि वो उनका बेटा आपका बेटा वो सुबह वो हलीमी साहब आप दोनों को सुबह स्कूल छोड़ते थे और शाम को मैं पिक करता था, दोनों को मैं ड्रॉप करता था, तो वो 4-5 साल इस तरह रूटीन थी, फिर हमें कभी कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो हलीमी साहब ने हमारी बड़ी मदद की थी, बल्कि वो वाले साहब कहते हैं मैं बताऊँ मेरी आज ही बात हो रही थी हलीमी साहब से, उनका मुझे फ़ोन आया था, वो उनको पता चल गया था कि आप
जो है मतलब आपका बेटा जो है वो ऑडिट कर रहा है। हाँ, बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि माशाल्लाह बड़ा होनहार बेटा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह सीए कर रहा है, और जो है कैफ इसने क्लियर कर लिया है, आर्टिकल चल रहे हैं, ऑडिट भी इसने लगता है बहुत अच्छे किसी टीचर से पढ़ी है, तो माशाल्लाह बहुत होनहार बच्चा है। तो बस मैंने आपको मुबारक, तो साथ ही वाले साहब कहते हैं कि हाँ यार उनके बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर ना, तो बस जरा ख्याल रखना हलीमी साहब का, हलीमी साहब का ख्याल रखना। अब आपको सारी गेम समझ आ गई। आप जो ऑडिट कर रहे हैं ना, आपको ऑडिट करते करते ना कुछ क्लाइंट के ऊपर माल प्रैक्टिसेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि फ्रॉड के आपको इंडिकेटर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे ना फ्रॉड हो रहा है, एंड यू आर क्लोज टू कैचिंग दैट फ्रॉड, और उसमें आपकी अभी तक की फाइंडिंग्स के मुताबिक हलीमी साहब इज द मेन कल्प्रिट। ठीक है, तो हलीमी साहब ने आपके वाले साहब को अप्रोच करके आपको पैगाम पहुंचाया है वाले साहब के थ्रू के बच्चा बड़ा होने आ रहा है, बहुत अच्छा ऑडिट करता है, तो वाले साहब कह रहे हैं यार बेटे जरा हलीमी साहब का ख्याल रखना, हमारे बड़े एहसान आए। और अब आप डिनर के बाद जब आप बेड पे गए हैं तो आपके जहन में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो कह रही है कि आपने सही ऑडिट करना है, और उसमें जो जो बंदा इन्वॉल्व है उसका नाम आपने अपने रिपोर्ट के अंदर देना है, दूसरी तरफ वालिद साहब का कहा भी नहीं आप टाल सकते हैं, और वो जनाब वालिद साहब की दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको नाराज़ नहीं किया जा सकता, उनका एक रुतबा है, उनका मकाम है, उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ कहा है, तो मैं कहीं नाफरमान औलाद की कैटेगरी में ना आ जाऊँ। ये इन्फ्लुएंस, अब आप आगे आंडी इन्फ्लुएंस, अब आप सही फैसला नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में नहीं आना। अच्छा, इसका हम रेजोल्यूशन भी पढ़ेंगे। अब मुझे आप बताएं वैसे इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग कि अगर ऐसी सिचुएशन में आ गए, आपके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, आपको क्या करना चाहिए? अली कह रहे हैं डिसोसिएट करना है, ऑडिट पे नहीं जाना चाहिए, वो छुट्टी करके घर बैठ जाए। हमें इन्फॉर्म करना, बिल्कुल सही, हमें जाके अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए सर मेरे ऊपर ना ये एक प्रेशर आ गया, तो मैं तो अब ऑडिट करके नाम लूँ ना लूँ, मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो बेहतर है कि आप मेरी जगह किसी और टीम मेंबर को भेज दें। अच्छा, वो टीम मेंबर जाएगा, जाहिर है वो भी वही काम करेगा, हलीमी साहब पकड़े जाएंगे, वाले साहब आपको कहेंगे यार मैंने तुम्हें कहा भी, आप कहेंगे कि वो तो मैं तो उस ऑडिट पे आके गया था, मेरा तो कोई ताल्लुक वहां से नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो उस दिन के बाद उस ऑडिट पे गया ही नहीं, मुझे तो उन्होंने ऑफिस किसी और दूसरे क्लाइंट पे भेज दिया। तो आपके वाले साहब भी इनको कहेंगे मेरा बेटा तो था ही नहीं, मैं क्या करता, बाकी लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपका काम भी हो गया, वालिद साहब का भी काम हो गया, और हलीमी साहब का भी काम हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह के हमें फिर हम देखेंगे कि गिवन सिचुएशंस के अंदर ये सिनेरियो का बिल्डअप है कि ऐसी सिचुएशंस में फिर हमें क्या करना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिविटी, हाँ, और बात सही है, इंसान भी मर जाए और लाठी भी ना, तो ये आइडियल सिचुएशन है, बट जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसा हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि सांप भी मारना पड़ेगा और शायद लाठी भी टूट जाएगी, ठीक है? तो और कई दफा ऐसे भी हो सकता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप फिर भी बच के निकल जाए। तो भी मारना पड़ सकता है, सही बात है। वैसे अगर हम चले गए ऑडिट पे फिर भी हम किसको काम पे देंगे? हम पे सू होगा ना, शेयर होल्डर सू करेंगे फर्म पे, फर्म फिर हमें कहेगी कि भाई हमारे इंडिविजुअल के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आप अगर यहाँ पे आपके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस, तो आपने बताया क्यों नहीं किसी को, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आई कैप में कंप्लेंट जाएगी और आई कैप फिर भी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है।
तो ये इंडिविजुअल हद तक जो है इसके रेपरकशन हो सकते हैं, सही है। इंटेग्रिटी से काम करना है शार्प, ऑब्जेक्टिविटी से काम करना है कब, आई कैप आपके ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, आई कैप की आपको टोटल डीबार कर सकता है, आप एग्जाम नहीं दे सकते, मेंबरशिप फोल्ड में नहीं आ सकते, काफी ज्यादा पावर है अथॉरिटी। अच्छा जी, दो प्रिंसिपल्स हो गए, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, ये टेक्निकली दो वर्ड्स हैं जो कि हम एक रूल के अंदर करें, एक है कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके जी, इसके लिए जरा एक डायग्राम बना लेता हूँ। जैसा मैंने कहा, ये दो रूल हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के नीचे आपने दो चीजें लिखनी हैं, एक लिखेंगे अटेन और दूसरी लिखेंगे मेंटेन, और मेंटेन के नीचे लिखेंगे सीपीटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के नीचे अटेन एंड मेंटेन, मेंटेन थ्रू सीपीटी, और ड्यू केयर के साथ आप लिखेंगे डिलिजेंस और डिलिजेंस के साथ आप लिखेंगे स्ट्रिक्ट, डबल टी के साथ या स्ट्रिक्ट स्क्वायर के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये पहले दो वर्ड करते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कुछ भी नहीं है, स्क्रॉल डाउन में कोई चीज ही नहीं, सीपीटी है। कॉम्पिटेंस को अटेन करना है और फिर मेंटेन करना, अटेन करना है और मेंटेन करना, और ये ड्यू केयर में है कि यू नीड टू एक्ट डिलिजेंटली, ये डिलिजेंस है। अच्छा देखें, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई भी एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले, मसलन एक क्लाइंट आता है हमारे पास, वो कहते हैं जी मैं आपसे ऑडिट कराना है बैंक का। अब हमने बेशक हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डजंट मीन कि आई कैन डू एवरीथिंग। मैंने अगर कभी बैंक का ऑडिट ही नहीं किया, मेरा एक्सपोजर ही नहीं है, ना मेरे पास ऐसा स्टाफ है जिसने बैंक ऑडिट किया, इवन दो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट प्रोबेबली आई लैक द कॉम्पिटेंस टू डू एन ऑडिट ऑफ अ बैंक अनलेस एंड अंटिल आई एंगेज समवन हु हैज द एक्सपर्टीज इन ऑडिट ऑफ बैंक, या मैं खुद पहले वो कैपेबिलिटी बिल्ड करूँ उसके बाद मैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी काम करने से पहले आपने कॉम्पिटेंस को अटेन करना है, उस लेवल पे आना है। बैंक का काम आता होगा तो हम बैंक ऑडिट करेंगे, सीखें, किसी टीम को आप किसी बंदे को आप अपने साथ एंगेज करें जिसने बैंक ऑडिट दे, तो अटेन करें, कॉम्पिटेंस अटेन करनी, ठीक है, आपके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटेंस होना सिर्फ एक दफ़ा हो गई वो काफ़ी नहीं है, इसको अटेन करके कॉम्पिटेंस को मेनटेन भी करना है। अब देखें, आपको पता है कि जितनी जल्दी फास्ट मूविंग पेस पे नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, अकाउंटिंग आ रहे हैं, ऑडिटिंग आ रहे हैं, आज से चार साल पहले अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्वालिफाई किया तो उसके क्वालिफिकेशन के बाद बहुत सारे नए स्टैंडर्ड बन गए। अब अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, अपनी कॉम्पिटेंस को मेंटेन नहीं रखेगा, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर है,
उनको भी जितने प्रोफेशनल्स हैं ना उनको अपना नॉलेज अपग्रेड करना है, नई नई रिसर्च, नए नए स्टैंडर्ड्स, नई नई मेथोडोलॉजी, नए नए ऑडिट सॉफ्टवेयर चीज़ें आ रही हैं, तो खाली अटेन करने से काम नहीं होगा, अटेन भी करना है और उसके बाद मेंटेन भी करना है। और ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने की बात हो रही है, इसके लिए एक जो आईकैप ने एक मैंडेटरी रूल बनाया वो ये है कि आप अटेंड करें कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD एक्टिविटीज, किसी ने नाम सुना है, बहुत कॉमन है CPD एक्टिविटीज। हर जो आईकैप का मेंबर है ना उसको 3 साल के अंदर 120 CPD आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि मुझे भी 3 सालों में 120 घंटे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगाने हैं। वो किस तरह लगाए जाएंगे, मैं कोई सेमिनार अटेंड करूंगा, आईकैप के वेबिनार अटेंड करूंगा, दूसरे इंस्टीट्यूट के कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बुक पढ़ूंगा, मेरे जो टीचिंग आवर्स हैं ये भी CPD के अंदर इंक्लूड होते हैं, मैं कोई YouTube के ऊपर कोई ऐसे लेक्चर्स या कोई ऐसी चीज़ें देखूं जिससे मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, तो वो भी, तो ये मुझे 120 आवर्स 3 सालों में पूरे करने हैं ताकि मैं अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन कर सकूं, वरना मेरा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होता। मुझे अपना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 120 आवर्स, ये मेंटेन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अटेन भी करनी है और फिर मेंटेन भी करनी है, एक हो गई कॉम्पिटेंस। दूसरा है जी ड्यू केयर से काम, मैंने कोई भी असाइनमेंट करनी है भले मैं कॉम्पिटेंट हूं लेकिन उसको ड्यू केयर के साथ भी काम करना है। ड्यू केयर का मतलब है आई शुड एक्ट डिलिजेंटली, और डिलिजेंट एक्ट करने का मतलब ये है, हाँ वो अभी हम पे बिलीव करता है रईस के मैं क्लेम करूंगा ना कि मैंने ये वाली भी उसकी डिटेल्स दूंगा, तो अभी आई कैप बिलीव करता है, कई दफ़ा एविडेंस भी मांगते हैं, वो फिर देखेंगे कि आपका वहाँ पे लाइक है, ठीक है, आपने कोई कॉमेंट वहाँ पे छोड़ा है, उस तरह इवन अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ वो मैं क्लेम करता हूँ तो वो आई कैप बिलीव करता है हमारे, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, इंटेग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है, तो अगर झूठ बोलेंगे तो फिर। अच्छा जी, डिलीजेंस का मतलब मैंने निमोनिक बनाया था स्ट्रिक्ट, तो डिलीजेंटली एक्ट करना है, ड्यू केयर के साथ काम करना है, इसका क्या मतलब है, हमें हर असाइनमेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, देखना पड़ेगा असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के उसके मुताबिक हम काम करेंगे, और उसके बाद केयरफुली काम करना है, थॉरोली काम करना है, टाइमली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट को करना है, ये सब ड्यू केयर में आ रही हैं। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सुपरविजन करनी है सुपरविजन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ड्यू केयर के अंदर एक ये भी चीज़ आती है कि हमने अपने क्लाइंट को उस असाइनमेंट की अगर कोई ये आई से है इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं तो मुझे अपने क्लाइंट्स को उससे भी अवेयर करना है, ये मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, ये स्ट्रिक्ट वाला मोमेंट है, स्ट्रिक्ट स्क्वायर STRICT के ड्यू केयर से काम करने का क्या मतलब होता है, केयरफुली काम करना है, थॉरोली करना है, टाइमली बेसिस पे करना है, ट्रेनिंग लेके सुपरविजन रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब अगर ऑडिट की तो ऑडिट करना है, रिव्यू है तो रिव्यू करना है, और क्लाइंट को उस असाइनमेंट की या उस सर्विस की जो लिमिटेशंस हैं उससे मुझे उसको आगाह करना है। मैं बताता हूँ उसका, अभी तक हमने 3 रूल पढ़े, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, अभी अगले 2 भी आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे नहीं समझना कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम 5 पढ़ रहे हैं ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ये हमारे लिए ही मुसीबत है, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं सबके यही 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। कौन से प्रोफेशन है, मेडिकल सेम प्रिंसिपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, सबके सारी ये जो सर्विसेज हैं प्रोफेशन, इनके यही फंड है कि इंटेग्रिटी से काम करें, ऑब्जेक्टिविटी से, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। देखें डॉक्टर्स इंटेग्रिटी से काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी से, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस
इसका मतलब है कि अगर एक मरीज के पेट में दर्द हो रही है और वो गलती से हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चला गया है, तो प्रॉब्ली हार्ट स्पेशलिस्ट के पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो स्टमक की एलिमेंट्स को देखे, इज नॉट कॉम्पिटेंट। और अगर वो उसको देख के वो ऑपरेट कर देता है, गलत गलत दवाइयां दे देता है, नुकसान हो जाता है, तो कल को वो पेशेंट उस डॉक्टर पे सू कर सकता है। याद रखें, सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमारा क्लाइंट हम पे किसी भी प्रिंसिपल के तहत सू कर सकता है। जनाब आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे तो आपने मेरा काम क्यों किया, मेरा नुकसान हो गया है, मुझे इतने डैमेजेस हैं। आपने इंटेग्रिटी से काम नहीं किया, आपने ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं किया, आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, आपने काम किया। इन सारे चीजों का मतलब है लिटिगेशन और हमें फिर क्लाइंट को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, सिविल सू होगा हमको, ठीक है, हमें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे क्लाइंट को, जो नुकसान होगा हमारे इन प्रिंसिपल्स को कंप्लाई ना करने से। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर उस चीज को समझता भी है, उसके पास कॉम्पिटेंस है तो उसको काम करना चाहिए, अगर उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये जरूरी भी नहीं है कि प्रोफेशनली जो कॉम्पिटेंट बंदा होगा वो ड्यू केयर से भी काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल अली, ऐसे ही होगा जैसे आपने फरमाया, यही मतलब है। अच्छा जी, अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी के पेट में दर्द हुई और हम किसी स्टमक के ही स्पेशलिस्ट के पास गए जो कि बेस्ट इन द बिजनेस है, बेस्ट इन टाउन है, इसका मतलब है वो प्रोफेशनली तो कॉम्पिटेंट है। अब उसने कहा जी ऑपरेशन होगा, उसने जनाब लटा दिया, पेट खोल दिया, ऑपरेट हो रहा है। अब वो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो अपना मोबाइल भी जो है वो यूज़ कर रहा है और साथ साथ अपने मैसेजेस भी चेक कर रहा है। एक आध उसने नर्स को कहा ये ज़रा देखो, ये ज़रा सिलाई कढ़ाई कर दें ज़रा, मैं भी आता हूँ। वो बाहर गया, कॉल अटेंड किया, हाँ हो गया सारा, स्टिचिंग वो भी ठीक है, और वो जनाब करके चला गया। दो दिन ऑपरेट हो गया, दो दिन के बाद फिर जो मरीज के पेट में दोबारा दर्द हुई और उसकी शदीद दर्द हुई और जनाब वो दोबारा एक्सरे हुआ तो पता चला कि उसके स्टमक के अंदर ना वो टॉवल रह गया भाई, सर्जिकल टॉवल रह गया, टॉवल रह गया। ये कैसे रह गया वो ड्यूरिंग ऑपरेशन? अब ये गलती कैसे हो गई? वो प्रोफेशनली तो बड़ा कॉम्पिटेंट था, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? ड्यू केयर की, उस ऑपरेशन को जिस केयर के साथ, डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए था, प्रॉपर केयर के साथ, अटेंटिव होके मोबाइल बाहर और जितना ऑपरेशन का टाइम उसमें वो ड्यू केयर से काम लिया। अब सू किस चीज़ पे हुआ? ड्यू केयर से काम नहीं किया, उसके डैमेजेज हैं ये जो टॉवल अंदर रह गया। हाँ, बट मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस पोजीशन में आने वाले हैं, आपने अपने क्लाइंट को इस तकलीफ का एहसास नहीं कभी होने देना जो आपको भी हो रही है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट हमसे सर्विस ले और उसको इस तकलीफ का एहसास हो जो आपको आज पढ़ते हुए हो रहा है, ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, एक और भी, अब डॉक्टर वाली एग्जाम्पल थी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इसको समझ सकते हैं, ये इनहेरेंट लिमिटेशन। आप गौर कीजिए, कोई भी ऑपरेशन होता है ना, ऑप्शन माइनर से माइनर भी हो, माइनर से माइनर भी हो, वो ऑपरेशन से पहले उसके जो पेशेंट होते हैं, उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, उसके जो साथ फैमिली मेम्बर होते हैं, उससे कुछ पेपर साइन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट कि भाई हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी है, तो आप अपनी कंसेंट दें क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो कल को फिर आप हम पे सू नहीं करेंगे, है ना? ऐसे है ना, ऑपरेट कराते हैं वो, कुछ सिग्नेचर कराते हैं, बेसिकली दे आर मेकिंग यू अवेयर ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन कि भाई इसमें हम करने तो लगे हैं बट ये मसला हो सकता है, जब ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी सामने आ जाए जो हमने फोर्सी ना की हो, इसलिए वो कहते हैं ब्लड का भी इंतजाम कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, बट स्टिल एनीथिंग वुड हैपन, तो वो हमसे साइन करवाते हैं। तो ये वो ही कह रहा है, तो अगर आप क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो उनको इनहेरेंट लिमिटेशन बता दें कि सर जरूरी नहीं सारे फ्रॉड पकड़े जाएं, सारा ऑडिट हो जाए फिर भी हो सकता है फ्रॉड हो, तो ये भी ड्यू केयर की एक रिक्वायरमेंट है कि यू शुड मेक अवेयर द क्लाइंट ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन जो कि उस असाइनमेंट में, ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्टली।
ये डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सारी प्रोफेशनल बॉडीज के यही फाइव फंडामेंटल है, सबने ऐसे करना है। वो अलग क्वेश्चनेबल बात है कि क्या डॉक्टर्स इंजीनियर लॉयर इंटेग्रिटी से काम कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, क्या वो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, बट स्टिल ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन उस पे जाने से पहले नहीं, वो हम उनसे ना लेटर ऑफ पढ़ेंगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, उसमें साइन करा सर, सारे फ्रॉड नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनानी है, हमने नहीं बनानी, तो ये इन चीज़ों पे हम साइन करवा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो वी बेसिकली मेक देम अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेल देम आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्फिडेंशियलिटी पे वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप भी रूल पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रोफेशनल बिहेवियर लास्ट, ये फिफ्थ जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोफेशनल बिहेवियर। इसके लिए जस्ट दो वर्ड याद रखने हैं, सी एंड डी। इसमें सी से है कि हमें प्रोफेशनल बिहेव करने का मतलब है कि वी शुड कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, और उसके बाद हमने कोई ऐसा काम नहीं करना विच माइट डिसक्रेडिट दी प्रोफेशन। हमने हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, कंप्लाई करना है, और कोई ऐसा एक्ट नहीं करना जिससे हमारा प्रोफेशन जो है वो डिसक्रेडिट हो या बदनाम हो। डिसक्रेडिट का मतलब है बदनाम हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? हाँ एग्जैक्टली, सब जगह। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा काम नहीं करना मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसकी। हम रोड पे जाते हैं ना, तो ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जाहिर कंप्लाई करते हैं, रेड लाइट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग परवाह नहीं करते और ट्रैफिक सिग्नल को भी वॉयलेट कर देते हैं, रेड लाइट को भी कर देते हैं। ठीक है जनाब, वो जा रहे हैं, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, अगर हम इस किस्म की प्रैक्टिस, यानी हम लॉज रेगुलेशन को बे नहीं करेंगे और रेड लाइट के ऊपर जनाब सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे, या बाइक पे जा रहे हैं तो वो जनाब वन व्हीलिंग कर रहे हैं और जनाब वो रेस लगा रहे हैं और गाड़ियों के आगे पीछे ऐसे लहराते हुए जा रहे हैं, बाइक ऊपर लेट के एक हाथ से हमने हैंडल पकड़ा रहा है और एक हाथ से जनाब गियर लगा रहे हैं और जनाब ऐसे जा रहे हैं लहराते हुए जा रहे हैं कैनाल पे, अंडर पास पे, यहाँ पे लोग हमें देख के बुलबुला पड़ रहे हैं सारा कुछ। तो और अगर किसी ने इस तरह हमारी कोई वीडियो बना दी, सिग्नल तोड़ते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए, ठीक है, ओवर स्पीडिंग करते हुए, उसके नीचे जो है ना, जो कैप्शन लगेगा ना उस वीडियो, वो वीडियो वायरल होगी ना, तो उस वीडियो के नीचे ये नहीं लिखा होगा मतलब, तो मैं कि आसिम नजीर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए, उसके नीचे जो कैप्शन लगेगा ना, जब वो वायरल होगी वीडियो, उसके नीचे लिखा होगा दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का एक मेंबर वन व्हीलिंग करते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट, उर्दू में आई कैप का एक मेंबर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं है, हमारे इस एक्ट की वजह से हमारा प्रोफेशन बदनाम हो, और ये आई कैप को हरगिज बर्दाश्त नहीं कि हम कोई ऐसा इमोरल, अनएथिकल, इलीगल काम करें जिससे आई कैप की बदनामी हो या आई कैप के दूसरे मेंबर्स की बदनामी हो। क्योंकि लोग जब ऐसे करेंगे ना, तोबा तोबा तोबा, तो सीए करके अगर ये काम करने हैं, अच्छा ही हुआ मैंने सीए नहीं किया,
वो दूसरे वो तुम भी ये करते हो, और तुम भी ये करते हो, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल से मुंह छुपा के फिरेंगे, क्योंकि एक मेंबर जो है आईटीएफ का वो वन व्हीलिंग था, या एक मेंबर ने सिग्नल दो, सारे मेंबर्स को शर्मिंदगी होगी, आईकैप को भी शर्मिंदगी होगी। तो फिर यहाँ पे अब आईकैप ने एक्शन लेना है, उसने मेंबर को बोला इधर आओ भाई, ये तुम्हारा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल, तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 फॉर एवर डी बार, कोई ऐसा एक्ट। तो हमने इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा प्रोफेशन डिसक्रेडिट हो, और इसीलिए लॉज एंड रेगुलेशन को हमने कंप्लाई करना। और प्रोफेशनल बिहेवियर में जाहिर है कर्टिसी भी आती है कि हमने प्रोफेशनली बिहेव करना है, इसमें ड्रेसिंग भी आती है, इसमें हमारी लैंग्वेज भी आती है, इसमें हमारी, हाँ एग्जैक्टली अली सही कह रहे हैं, वो प्रोटेस्ट वगैरह डजन दो विदार है उस तरह से, तो ड्रेसिंग भी आती है इसके अंदर हमारा, और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। असल में हमारे ऊपर कंप्लेंट हो सकती है, हमारा क्लाइंट हम पे कंप्लेन कर सकते हैं कि मैं इनके पास गया तो ये इसने गालियां निकालनी शुरू कर दी, इसने मुझे जनाब ये चमाट मार दिया, थप्पड़ मार दिया, गालियां निकालता है, इसका तो बिहेवियर ही सही नहीं है। तो प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनली बिहेव करना है, हमारे एक्ट से कर्टिसी होनी चाहिए, बड़ी हमें नज़र आना चाहिए कि हम बड़े कंसिड्रेशन के साथ। कर्टिसी का मतलब ये कि देखें, कई दफ़ा होता है कि मैंने एक आपको फर्ज कीजिए 10-15 मिनट लगा के एक चीज़ समझाई, और बड़ा डिटेल में और बड़े शौक से दिल से सारी चीज़ें, और करने के बाद मैंने कहा हाँ जनाब समझ आ गया सही, कोई आप में से एक कहता है कि सर ये आपने जो कुछ पढ़ाया है ना ये सारा कुछ समझ नहीं आया, सारा दोबारा पढ़ा रहा, आप यकीन करें ऐसा दिमाग के अंदर ना कोई एक चीज़ उठती है पाँव से लेके दिमाग तक, इतना सख्त गुस्सा आता है और दिल करता है कि पता नहीं क्या करता है दिल। लेकिन फिर मुझे याद आता है रिलैक्स आसन, रिलैक्स प्रोफेशनल बिहेवियर, यू नीड टू बिहेव प्रोफेशनली। और फिर मैं कहता हूँ अच्छा हाँ नहीं समझ, ओ नो प्रॉब्लम, आएंगे ना आप दोबारा से देखते हैं, और फिर मैं दोबारा उसी स्पिरिट से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये प्रोफेशनली बिहेव करना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, दिल नहीं करता, दिल तो बहुत कुछ करता है और करने के लिए, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है ये मुझे मजबूर करता है कि भाई ठीक है ना, तो कर्टिसी, नाइसिटीज, पोलाइटनेस, स्माइलिंग फेस, तो जब आप करते रहते हैं फिर ये आपकी आदत भी बन जाती है, फिर आपकी नेचर भी बन जाती है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ठीक है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी आता है प्रोफेशनल बिहेवियर में, वैसे बुक में इतने ही लिखे हैं, ये दो ही बहुत हैं, बट मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसमें एक टर्म हम ये भी यूज़ करते हैं कि प्रोफेशनल बिहेवियर रूल में, प्रिंसिपल में ये भी आता है कि आपने ना कभी एग्जैजरेट नहीं करना। एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के, और मैं बेस्ट, दी बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन ऑडिटर, आई एम नंबर वन फर्म, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप करेंगे, यानी अपने आप को अगर आप बेस्ट, तो इसका मतलब है आप अपने फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बी लिटल कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एग्जैजरेट कर रहे हैं तो दूसरों को डिस्पैरेज कर रहे हैं, ये भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को बढ़ा, तो देखें आईकैप ने इसीलिए मार्क्स नहीं देता पास होने वालों, अब एक बंदा 50 में पास हुआ, एक बंदा 60 में पास हुआ, कोई नहीं पता, आईकैप ने जब ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं रखी, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम कौन होते हैं कहने वाले मैं नंबर वन हूँ। हाँ वो डिस्टिंक्शन आती है, वो एक अलहदा चीज़ है, बट उसके अलावा ये नहीं हम कह सकते कि जनाब मेरे मार्क्स ज़्यादा थे इसके काम थे, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ ये काम में, तो ना आपने दूसरों को छोटा साबित करना है, ना अपने आप को बड़ा साबित करना है, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर है, हम्बल रहना है। ले जनाब ये हो गए हमारे 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब रह गया 5वां प्रिंसिपल, आइए उसके ऊपर आते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। पॉप्सी के अंदर ये लास्ट रह गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा जी सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रूल से बनता क्या है, और ये भी उस 2014 सितंबर के टाइम में टेस्ट हुआ, ये नोट कर लेते हैं 14 सितंबर
क्वेश्चन नंबर 10 बी 2 मार्क्स अगेन नॉलेज. अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी रूल क्या है पहले जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. हाँ मामा मैंने बिल्कुल यही कहा कि ये 2020 का जो एग्जाम सप्लीमेंट है वहां से हम चैप्टर 13 पढ़े और वहीं से इंशाल्लाह चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे. तो वो दो चैप्टर जो आपके पास स्टडी टेक्स्ट में है उनको आपने रिप्लेस करना है विद एग्जाम सप्लीमेंट. ठीक है. अच्छा जी अब पहले जरा जनरल डिस्कस करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है. मुझे एक बात बताएं कि डॉक्टर वाली एग्जाम्पल लेके आता हूँ. हम अपने कुछ थोड़ा सा हमें सर में दर्द हो रहा है फीवरिशली खेलेंगे. कोविड की बात नहीं कह रहा नॉर्मल. हम वो हमारे जो मोहल्ले में डॉक्टर हैं उनके पास चले गए डिस्पेंसरी में. वो हम बाहर बैठ गए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बाहर सोफे पे बेंच पे बैठ गए. और जो डॉक्टर का रूम है उसके अंदर ऑलरेडी एक पेशेंट है बाहर डिस्पेंसर है. उसने कहा कि आप वेट करें डॉक्टर फ्री होंगे तो फिर आप चले जाइएगा. वो जो अंदर वाला पेशेंट था वो निकला बाहर गया. आपकी टर्न आई आप हमें डॉक्टर के पास गए बैठ गए. डॉक्टर ने पूछा खैरियत है कैसे आए आप सब ठीक है खैरियत है. अरे डॉक्टर मैं तो बाद में बताता हूँ लेकिन अभी ये जो काशिफ उठ के गया वो जो अंदर से गया था वो आपका मल्लेदार था. जो काशिफ उठ के गया पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं ये काशिफ किस सिलसिले में आया था इसको क्या प्रॉब्लम थी आपको इसको क्या बीमारी थी क्या प्रॉब्लम. अपनी बारी तो मैं अपने बारे में तो बाद में बताता हूँ लेकिन पहले मुझे प्लीज़ ये बताएं कि काशिफ को क्या प्रॉब्लम है. डू यू थिंक के डॉक्टर इज सपोज टू टेल यू अबाउट काशिफ. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा क्या ये हो सकता है कि डॉक्टर जो है काशिफ के बारे में आपको बता दे और आप जाके काशिफ को कहें आज मुझे ये प्रॉब्लम है ठीक है जी. तो वो काशिफ डॉक्टर के पास जाए नाराज होकर कि आपने क्यों बताया ऐसे मेरे बारे में. तो डॉक्टर कहेगा आपने मुझे कहा था आपने मुझे मना किया था तो आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैंने बता दिया. क्या डॉक्टर ये प्ली ले सकता है कि आपने मुझे मना किया था कोई आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी. नहीं. इसका क्या मतलब है ये जितने फंडामेंटल प्रिंसिपल हम पढ़े ये अज्यूम्ड हैं. ये जब क्लाइंट हमारे पास आता है उसको हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इंटेग्रिटी से काम करना है आपने ऑब्जेक्टिविटी से काम करना है आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर से काम करना है आपने प्रोफेशनल बिहेव करना है और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी से काम करना है. ये सारी चीज़ें का ख्याल हमने खुद से रखना है क्लाइंट कहे या ना कहे. ये अजम्पशंस हैं दीज मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड हैं. क्लाइंट को हमसे कोई अलहदा से चीज़ें साइन कराने की ज़रूरत नहीं है. तो बिल्कुल उसी एग्जाम्पल के तहत हमने अपने क्लाइंट की वो इंफॉर्मेशन जो हमें सिर्फ इस वजह से एक्सक्लूसिवली पता चल रही है क्योंकि हम उसके साथ एक असाइनमेंट कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है. दो चीज़ को जनरल पब्लिक को अवेलेबल है उसकी तो कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई मसला नहीं. लेकिन जो चीज़ें आपको सिर्फ इस वजह से पता चल रही हैं कि वो आपका क्लाइंट है वो आपने बगैर उसकी परमिशन के क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोज करना ही है अगर डॉक्टर अब वो उस सिचुएशन में डॉक्टर को क्या करना चाहिए था. वो कहता है आपको पूछना है अच्छा मैं अभी काशिफ को फ़ोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि जनाब ये नदीम आपके बारे में पूछ रहा है अगर वो मुझे इजाज़त दे देगा तो मैं बता देता हूँ नहीं इजाजत देगा तो नहीं. तो दिस इज द वे टू गो. हमें क्लाइंट की परमिशन के बगैर उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए. ठीक है ना. तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी रूल. हमें उसकी परमिशन के बगैर उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. ठीक है. अब हम जरा इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर भी करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड एक मिनट दीजिएगा मुझे.
नहीं, फूड पांडा नहीं है। गुड वन। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन? फिर अब जरा कुछ बातें करते हैं, फिर अगर आपको ये लिखने के लिए आएगा ना, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल में क्या क्या चीजें हैं, ये पॉइंट देखिएगा। कि कहने को तुमने कह दिया कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी रूल का ख्याल रखना है, हमने उसकी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी, बट प्रिसाइसली व्हाट डज इट मीन? और अब अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा सर कॉन्फिडेंशियलिटी रूल, 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी डी एफ जी 7 पॉइंट्स हैं। तो जरा इसको भी याद रख लेते हैं कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रूल में किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ये क्योंकि लेटली चेंज हुआ है तो इसके टेस्ट होने के चांसेस भी हाई है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। अरबाब मेरे से लड़ेंगे कि फिर निमोनिक आ गया। अरबाब, आपने ए से लेके जी तक वैसे ही याद कर लेने हैं माशाल्लाह, तो आपको कुछ है जरूरत ना हो। सो बाकी लोगों के लिए फियर यूपीएस ये 7 पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्या बनता है जी फेयर यूपीएस से? अच्छा वो क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलत नाम यूज कर लिया, मुझे नहीं पता वैसे वो कौन सा आप थे। अच्छा गर्मियों वैसे भी याद रहेगा, सही है। चलें, अच्छा जी आए देखते हैं क्या बनता है जी इससे। अब्दुल्ला थे, चलें कोई बात नहीं, जो भी थे मैं बिल्कुल, इट्स ओके। अच्छा जी, नंबर वन, अब कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रूल में कहते हैं अकाउंटेंट शेल क्या करना है, ए से। अच्छा चलें ठीक है जी। अरबाब तो थे ही नहीं और अब्दुल्ला वैसे ही कह रहे थे, तो चले वो जो जो भी था वो अननोन था कोई भी। एन अकाउंटेंट शेल बी ए से फियर में ए अलर्ट, बी अलर्ट टू दी पॉसिबिलिटी, यानी इस हद तक ख्याल रखना का कहा जा रहा है, बी अलर्ट टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट और क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर। ये जो वर्ड है ना, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि गलती से, बेदहानी में, स्लिप ऑफ टंग, कई दफा शेखी में, दोस्तों के पास बैठे हो तो बड़ा वाह मुझे पता है वो क्या काम करते हैं, मैंने देखा हुआ है, वो देयर, मैं ऑडिटर था उसका, तो तुम्हें पता है वो क्या हो। यानी इस हद तक आपने अलर्ट रहना है कि कहीं आपसे इनएडवर्टेंट, एक होता है ना जान पूछ के आप डिस्क्लोज, कई दफा बातों बातों में एक बात हो रही है उस जगह आपने बीच में शो मारने के लिए, शेखी मारने के लिए, इस हद तक अलर्ट रहना है कि वाह आपने कॉन्शियसली कोई ऐसी बात नहीं करनी, तो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर की भी इजाजत नहीं है, इतना अलर्ट रहना है आपने। दूसरा पॉइंट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी और इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग, यानी आपने क्लाइंट की बातें अपनी जो एंगेजमेंट टीम है ना 7-8, उससे बाहर भी अपने फर्म में जो दूसरे कोलीग्स हैं, जो दूसरे असाइनमेंट पे जा रहे हैं, उनसे भी नहीं करनी, विद इन द फर्म भी नहीं करनी। एंगेजमेंट टीम में तो आप करेंगे जो ऑडिट करना, बट उसके बाद आउटसाइड टू द एंगेजमेंट टीम, बट विद इन फर्म भी नहीं करना, ठीक है? नहीं, पार्टनर जो एंगेजमेंट पार्टनर है उससे करनी है, दूसरे पार्टनरों के साथ जाके आपने नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, ऑडिट टीम के साथ करनी है डिस्कशन, बट ऑडिट टीम के अलावा बाकी फर्म वालों के साथ नहीं करनी। अच्छा सी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। कई दफा ये होता है ना, वो आपका क्लाइंट नहीं है, वैसे ही आया जी मैंने ऑडिट कराना है, उसने आपसे बातें बातें शेयर की, आपकी स्टडी, आपने कहा नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकता, वो तो क्लाइंट बना ही नहीं, बट वो आपसे कुछ बातें कर गया, वो कॉन्फिडेंट, तो वो भी नहीं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, फ्यूचर क्लाइंट, उसकी बातें भी डिस्कस नहीं करनी। इट्स नॉट अबाउट ओनली द क्लाइंट, इवन प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की बातें भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे ना किसी कोई मशवरा आपसे लेने आया, वो चला गया, आपने असाइनमेंट तो की नहीं, बट उसने मशवरा लेते हुए आपसे बहुत सारी बातें की कॉन्फिडेंशियल, तो उसको भी रिस्पेक्ट करो। नंबर डी है, अकाउंटेंट शैल नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स आउटसाइड द फर्म। ये तो वो नॉर्मल कॉन्फिडेंस जिसको हम समझते थे कि हाँ यार
अपने क्लाइंट की बातें हमने बाहर दूसरे लोगों से आउटसाइड टू द फर्म हमने डिस्कस नहीं कर, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, अभी हम एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे जी। ऑडिट फर्म की बात हो रही है, ऑडिट अब आउटसाइड टू द फर्म की बात हो रही है, इसकी एक्सेप्शन अभी हम पढ़ेंगे। विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी, या तो पहले इजाजत ले लें, अनलेस देर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी। हाँ, अगर लॉ का मामला आ जाए लीगल या प्रोफेशनल, तो फिर हम उससे इजाजत नहीं लेंगे, फिर डिस्क्लोज करेंगे। असल एक क्लाइंट है, वो एक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो शायद हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी रूल हमें ब्रीच करना पड़ेगा। अभी नीचे आगे थोड़ी देर में देखते हैं एक्सेप्शंस टू द कॉन्फिडेंशियलिटी रूल, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रूल रिस्पेक्ट करनी है, बट कुछ सिचुएशन में हमें ब्रेक करना है कॉन्फिडेंशियलिटी रूल, तो वो भी अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। नंबर ई, We should not use confidential information report. मसलन हम क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं और हमें पता हुई इस साल बड़ा प्रॉफिट आया, चार साल मैनेजमेंट अकाउंट ड्राफ्ट अकाउंट चार साल बाद प्रॉफिट आया और आपको पता चल गया कंपनी ने इस डिविडेंड भी देने हैं, तो आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने कजन को फोन किया, शेयर उठा लो, ओके का भाईजान कंपनी तो लॉस में है, और यार बस मैं कह रहा हूँ शेयर उठा लो। तो आपने इस तरह की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने यूज नहीं करा। नेक्स्ट, नॉट यूज और डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आइदर रिक्वायर्ड और रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशन इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड, यानी वो अब आपका क्लाइंट नहीं रहा फिर भी आपने उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको रिस्पेक्ट करना है। नहीं, ये तो क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अच्छा, ये जो इसमें बार बार वर्ड लिखे ना एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आप याद करें मैंने आपको कहा था ये जो चार्टर्ड अकाउंट, ये जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, ये हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगता है, फर्म वाले भी जो और सीए फर्म है और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे भी जो जॉब कर रहे हैं, तो ये रूल तो दोनों के लिए इकट्ठा बना है ना। तो जो सीए फॉर्म वाले उनके लिए फॉर्म वाली बात एप्लीकेबल होगी, और जो FAR 2 वाले हैं उसका मतलब है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ये बातें नहीं करनी। तो ये है एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मीन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, और क्लाइंट मीन्स वो जो सीए फॉर्म वाले के अंदर, तो ये दोनों को कवर कर रहा है लिखा हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत है ना रईस, अगर हम शेयर उठा लेंगे, मुझे बताए पार्टनर शेयर उठा ले, वो तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अभी कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा, क्या ख्याल है। और स्टाफ का मेंबर भी नहीं उठा सकता, अभी हम पढ़ेंगे, वो सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा, खुद तो शेयर उठा के वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ठहर जाते हैं अली, अगर हम अपना फादर को कह दें तो हम क्वालिफाइड ही रहेंगे ना, क्या मतलब फादर को कह दें शेयर वो खरीद लें, नहीं एथिकली सेल्फ इंटरेस्ट अभी पढ़ेंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर भी आ जाता है उसमें, इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी नहीं कह सकते, क्लोज फैमिली मेंबर को भी नहीं कह सकते, तो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह कवर्ड होंगी। तो आपके जहनों को कि बिल्कुल चाहिए, बट हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, हाँ हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। अच्छा, एक मिनट के लिए अजान हो रही है, अजान खत्म होने के इंतजार करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, तो जासिम और अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का क्या मतलब है? ये FAR 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये CAF 9, यानी CAF 9 का मतलब ये है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हमारी फर्म में एक क्लाइंट आया, उसने अपनी बातें हमसे शेयर की और चला गया, और कोई असाइनमेंट नहीं। उसने जो हमसे बातें की हैं उसकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी हमने जहन में रखनी है। FAR 2 का मतलब है कि आप एक जगह इंटरव्यू देने गए हैं एक एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में, और ड्यूरिंग इंटरव्यू बातचीत हुई, आपको उस एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें पता चली, बट आप उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, उस इंटरव्यू में आपको जो कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली है वो भी आपने बाहर आके किसी से डिस्कस नहीं करनी। सो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, वॉट इट चल जाएगी बात, अब क्लियर हुई? यस कर दें।
हाँ, सो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, दो। अच्छा जी, इसमें रह गया हमारा आखिरी पॉइंट, पॉइंट बी में विद इन द फर्म का मतलब है हमारी सीए फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, और विद इन द फर्म जहां पे आपकी सीए फर्म है उसके अंदर भी, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप जॉब कर रहे हैं एफ ए आर टू, और विद इन द फर्म जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं क्या। आखिरी पॉइंट ये कि हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हम रीजनेबल स्टेप्स भी उठाएं, हम रीजनेबल स्टेप्स भी उठाएं। नहीं, पॉइंट बी में क्लाइंट की बात नहीं हो रही, यानी क्लाइंट की बात ही आपने विद इन दी फॉर्म किसी से नहीं करनी, और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि आपने अपने एम्प्लॉयर की बात अपने कोलीग से नहीं करनी जो आपको सीईओ सीएफओ या कंपनी के बारे में पता चली, वो विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरे लोगों से उसकी बात नहीं करनी ना। हाँ अच्छा, अब ये देखें आखिरी पॉइंट किस एक्सटेंट तक जा रहा है कि हमें एज एन ऑडिटर वी शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू एंश्योर दैट पर्सनल अंडर द अकाउंटेंट्स कंट्रोल एंड इंडिविजुअल फ्रॉम होम एडवाइस एंड असिस्टेंस आर ऑब्टेन्ड रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे नीचे जो स्टाफ है वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी रूल का ख्याल करे, वो भी हमें उस हद तक इसको इंश्योर करना है। अच्छा भैया, हमारी क्लास का टाइम यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह यही कॉन्फिडेंशियलिटी रूल के एक्सेप्शन से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देखेंगे। कल इंशाल्लाह हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है, और फ्राइडे को आपने याद रखना है कि आपका टेस्ट भी है। कल मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कल दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम पे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।